कभी हल्ले से पुकारते हैं, पत्नी माधुरी और शंकर जी के बीच में खड़े होके मैं इतने दो बात कर देता हूँ, भूख खड़ा हो गया। पार्वती बोली, हाँ ठीक है, वो तो आएंगे नहीं है बाप के पास, आप मुझे कुछ डांस करके देखो परसों। तो साधु साथ तपस्या डांस नहीं आता। पार्वती बोली, मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले, पार्वती रूप में कितनों में सिखाता, इस हाथ को ऐसे करो, इसको और ऐसे करो, ऐसे करो, ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ को कड़ा लिए रहता और कह दिया बसंत, रिमोट दबा दिया मासूर की, जिस दिल की धड़कन उसका पल्स रेट सेट हो गया था। ये तो इन दो गुणों के पुजारियों की दशा दिखा दी, सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते हैं। एक बार कुंभ का मेला हो रहा था द्वार में, उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी त्रिगुणोपासक हैं अपने अपने ग्रुप में जाकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी का ये समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर भी लगी थी, इनका अपना बड़ा वर्ष है, ये मनगढ़ंत कहानी है। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी के ऊपर, पीछे ताजे वैष्णो जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। गंगा का पानी मैला हुआ था तो उन्हें पाचन आ रहे थे, वो नाले और उनके अंदर ही रहती हुआ पर भी खत्म हो गई थी, पर वो नाना नोना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में प्यार की, भगवान का भी डर हमी आपस में, हर पैड़ी हर हेत न जाड़ा भाजा तेर चलावे, काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साधक आवे, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कहीं बैठ कर जो भक्ति अपने की है, जो भी उसने जो साधना की है उसके आधार से उसने जो लोक प्राप्त होना था वो हो गया।